नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में, जिसमें हमारा प्रयास रहेगा कि हम पिछले सप्ताह 10 दिन कभी पखवाड़े भर में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हुआ है उस पर एक नज़र डालें, विश्लेषणात्मक नज़र डालें, उन घटनाओं की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको समझने का प्रयास करें, एक संदर्भ हमारे दिमाग में स्पष्ट हो और हम ये कोशिश करें कि आने वाले दिनों, हफ्तों, महीनों में क्या प्रभाव उनका बड़ी और छोटी शक्तियों पर, मझली शक्तियों पर, क्षेत्रीय शक्तियों पर पड़ सकता है, किस प्रकार उनसे शक्ति समीकरण बदलेंगे। और चूँकि हम भारत के नागरिक हैं, भारत में रहने वाले शुद्धार्थी हैं, तो हमारा प्रयास यह रहेगा कि यह सारा काम हम भारत के नज़रिए से, जिसे अंग्रेजी में इंडोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव कहते हैं, उससे करें। हमारी कोशिश रहेगी कि इस संक्षिप्त सर्वेक्षण में हम दुनिया के हर हिस्से पर नज़र डाल सकें, हर महाद्वीप को एक तरह से छू सकें, बड़ी शक्ति, छोटी शक्ति, इन सब के बदलते संबंधों पर और आने वाले दिनों, हफ्तों, महीनों में इनका क्या प्रभाव हम सब पर पड़ेगा उन पर नज़र डाल सकते हैं। शुरू हम करते हैं उत्तरी अमेरिका से, अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जो परम शक्ति कहलाती है, चरम शक्ति भी कुछ लोग उसे कहते हैं, महाशक्ति तो वो आधा सदी से अधिक समय से मानी जाती रही है और आज कुछ लोग मानते हैं वो एकमात्र महाशक्ति इस विश्व में है। मगर पिछले कुछ दिनों से वो बहुत बुरी तरह से चपेट में रही है कोरोना वायरस के। वहाँ संक्रमित लोगों की संख्या 20 लाख से ऊपर जा चुकी है, मरने वालों की संख्या 1 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी है और ऐसा लगता रहा है कि अमेरिका का सारा क्रियाकलाप ठप हो गया है वहाँ जो लॉकआउट चला है उससे, और भयंकर चिंताएं लोगों के मन में शुरू हो गई हैं आर्थिक मंदी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। मगर इस सबसे कहीं अधिक जो परेशान करने वाली घटना थी वो ये थी, एक अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु ये नहीं, उसे हत्या कहना ज़्यादा उचित होगा, कि अमेरिकी पुलिस ने उस पर शक करते हुए कि वो एक नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहा था, उसे पकड़ा और निहत्थे जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर एक पुलिस वाले ने अपना घुटना टिका दिया, वह सांस लेने में असमर्थ रहा, राहत की मांग करता रहा और मर गया। इसके साथ ही यह पर्दाफाश हुआ कि अमेरिकी समाज में आज कितनी बुरी तरह का विभाजन नस्लवादी है और इसके लिए एक बड़ी सीमा तक अमेरिकी नागरिक जो उदार हैं, जो समता पोषक हैं, उनका मानना है प्रेसिडेंट ट्रंप स्वयं जिम्मेदार हैं। मगर जो घटनाक्रम जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद सामने आया वो घटनाक्रम वास्तव में अप्रत्याशित था। ऐसे दंगे भड़क उठे अमेरिका के लगभग सभी बड़े शहरों में, कहीं लूटमार हुई, कहीं आगजनी हुई। मगर दुखद घटना ये थी कि शुरू में सारे प्रदर्शन आंदोलन जो थे वो बेहद शांतिप्रिय थे, मगर जब पुलिस वालों ने ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग इनके विरुद्ध किया तो कहीं ना कहीं जो कुछ असामाजिक तत्व थे, कुछ शिथिल तत्व थे, कुछ ऐसे तत्व थे जिनको लगता था कि उनके साथ अन्याय निरंतर हो रहा है, उन्होंने कुछ पथराव किया और फिर जवाबी जो हिंसा थी वो और भी पुलिस की तरफ से भड़काने वाली, उत्तेजित करने वाली हुई। और कुछ शब्दों का प्रयोग जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया, उन्होंने कहा कि मैं इनके ऊपर खूंखार कुत्ते दौड़ा दूंगा, मैं इनके ऊपर भयंकर हथियारों का प्रयोग करवा दूंगा, ये लोग जो लूटपाट, आगजनी कर रहे हैं, इनको याद रखना चाहिए कि अगर लूट शुरू होगी तो गोली उसके जवाब में आएगी। और वो दुर्भाग्य से लोगों को अचानक बातें याद आने लगी आज से आधा सदी पहले की, जब मालकम एक्स की हत्या हुई थी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या हुई थी, रॉबर्ट केनेडी की हत्या हुई थी और 60 के दशक के अंतिम वर्षों में पूरा अमेरिका आग की लपटों से झुलस रहा था इसी अश्वेत और श्वेत भेदभाव के कारण। तो जो सिविल राइट्स मूवमेंट ने, आंदोलन ने जो कुछ अर्जित किया था वो इस आधा सदी में लगभग आगे बढ़ा नहीं है और कम से कम डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति पद में आने के बाद उसकी विरासत को काफी हद तक गंवा दिया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि राष्ट्रपति जो बड़बोले हैं, अहंकारी हैं और शायद बिना सोचे अक्सर कुछ बोल लेते हैं अमेरिका में और उसके बाद उसकी कीमत चुकानी नहीं पड़ती। हुआ ये कि इस बार भी जब प्रदर्शनकारियों ने घेराबंदी व्हाइट हाउस की कर दी तो उन्होंने अपने माथा थे अधिकारियों को यह आदेश दिया कि इनको साफ करो, भीड़ को यहाँ से हटाओ, चाहे बल प्रयोग ही क्यों न करना पड़े। और उसके बाद में पास के एक गिरजाघर में जाकर, जो आगजनी का शिकार हुआ था, एक फ़ोटो खिंचवाना चाहता हूँ, और वो जिसे अंग्रेज़ी में फ़ोटो ऑप कहते हैं, उसके लिए बल प्रयोग के बाद लफायत चौक से ये प्रदर्शनकारी जो निहत्थे और शांतिपूर्ण थे हटा दिए गए और हाथ में बाइबल पकड़कर डोनाल्ड ट्रंप उस गिरजाघर तक पहुंच गए। फोटो तो उन्होंने खिंचवा ली मगर इसके साथ अमेरिका में जो फूट पड़ी है, वहाँ के समाज में जो फूट पड़ी है, जो ओबामा के कार्यकाल के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि अमेरिका बटा है दो धड़ों में, एक सफ़ेद नस्लवादी गोरे हैं जो हथियार रखने के अधिकार को बुनियादी मानते हैं, जो अश्वेतों को और सारे दूसरे नागरिकों को द्वयम दर्जे का, स्वयं दर्जे का मानते हैं। और ये बात तब भी सामने आई थी जब कोविड वायरस के आंकड़े सामने आ रहे थे कि भले ही अमेरिकी आबादी का
एक तिहाई हिस्सा ही अश्वेत नागरिकों का है। मरने वालों की संख्या लगभग 60% 70% थी। तो लोग ये सवाल पूछने को विवश हो रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्या क्यों वो शिक्षित नहीं है अश्वेत, क्यों वो स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्यों वहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, क्यों वहाँ नशाखोरी ज़्यादा है, क्यों वह उस श्रृंखल उद्दंड व्यवहार के लिए टूटे परिवारों के कारण मजबूर होते हैं, क्यों छिटपुट अपराधों के लिए उन पर शक किया जाता है। मगर ट्रंप ने भले ही सीधे सीधे उन पर यह न कहा हो, मगर वो पिछली जो उनकी सारी घोषणाएं हैं, वो मेक्सिको से आने वालों के खिलाफ हों, वो लैटिन अमेरिका से आने वालों के खिलाफ हों, वो हिस्पानियों के खिलाफ हों, वो कभी भारतीयों के खिलाफ हैं, कभी चीनियों के खिलाफ हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पुष्ट किया है इस भेदभाव को। अब इन घटनाओं का जो विस्फोट हुआ वो लगभग अमेरिका के हर बड़े शहर में हुआ, और जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने जवाब देने की कोशिश की, सब लोग ठाकुर सुहाती राष्ट्रपति के अनुसार करने की कोशिश कर रहे थे, वो गिरजाघर वाली फोटो खिंचाने के वक्त दो बातें बिल्कुल सामने स्पष्ट आईं कि तत्काल जो अमेरिका का एक सबसे ऊंचे पद का जनरल था उसने कहा कि मुझे ये बात बिल्कुल रास नहीं आई, मैं माफ़ी मांगता हूँ, उस बात मुझसे ठीक फैसला करने में चूक हो गई, अमेरिका की सेना हमेशा से अराजनीतिक रही है और आंतरिक इस तरह के उपद्रवों पर काबू पाने के लिए सेना का प्रयोग बिल्कुल ही नाजायज है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मजेदार बात यह है और दुखद बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अनेक बार ये कहा कि यदि कमज़ोर हैं राज्यपाल राज्यों के, यदि कमज़ोर हैं नगरों के मेयर, वो पुलिस अब यदि नियंत्रण नहीं कर पा रही है उपद्रवियों पर, तो मैं नेशनल गार्ड वहाँ भेजूंगा, और नेशनल गार्ड अगर वहाँ इस पर काबू पाने में असफल रही तो मैं वर्दीधारी सैनिक वहाँ भेजूंगा। उन्होंने ये किया भी कि वो कि बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उन्होंने उड़वाए शांति से प्रदर्शन करते लोगों के ऊपर काफ़ी नीचे, जिससे कुछ लोगों को घायल होने की संभावना भी बढ़ गई। उनका पूरा प्रयास एक दहशत फैलाने का था कि मैं एक मजबूत नेता हूं और मैं अपने हाथ में सब कुछ फैसला ले सकता हूं, किसी और से राय लेने की मुझे ज़रूरत नहीं। अब यहां हमें याद आती है उस भाषण की जो अब्राहम लिंकन का था, जो उन्होंने गेटिसबर्ग में दिया था। छोटा सा भाषण है मगर बड़ा सारगर्भित है। उसमें उन्होंने कहा था कि हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड, अर्थात जो घर और परिवार टूट से फूट से ग्रस्त हो वो बहुत देर तक निरापद नहीं रह नहीं सकता। आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि अमेरिका एक ऐसा परिवार है, एक ऐसा घर है जिसमें भयंकर फूट की दरारें पड़ी हुई हैं। एक पक्ष तो ये था कि जब राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे थे कि यदि राज्य करने में असमर्थ हैं तो केंद्र सरकार ऐसा करेगी, वो ये भूल रहे थे कि अमेरिका में जो संघीय प्रणाली है वो बड़ी सशक्त है, उसकी लंबी परंपरा है, और वहाँ के राज्य अमेरिका की क्रांति से आज तक भारत के उन सूबों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती जो केंद्र के अधीन एक तरह से दिशा निर्देश मानने को विवश हैं, वो कानून हो या कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी। तो ये एक पक्ष जो अमेरिका में है केंद्र और राज्यों के संबंध का सामने उजागर होकर आया। दूसरी फूट जो थी वो नस्लवादी फूट थी कि क्या अमेरिका में जो गोरे नस्लवादी हैं, जो चाहते हैं कि गोरे ही सर्वोच्च रहें और जिस तरह की भाषा का प्रयोग वो करते रहे इस आंदोलन के दौरान, वो निश्चित रूप से नस्लवादी मनोवृत्ति को ही आगे बढ़ावा देती है। और जो तीसरी चीज़ है वो अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। यदि सारी काम को छोड़कर इस नस्लवादी विग्रह उपद्रव से ही जूझना पड़ता है अमेरिका को, तो जो कोरोना की चपेट में अर्थव्यवस्था को नुकसान था उसका बुरा असर कई गुना बढ़ जाएगा। और यदि अमेरिका इस अभी भी ये हट मानता रहेगा कि ट्रंप कहेंगे कि मैं सर्वशक्तिमान व्यक्ति हूँ, भले ही यह वर्ष अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का है मगर मैं तय करूंगा चुनाव हो या ना हो, संविधान की व्याख्या मैं करूंगा, तो ये अब इसमें एक लोगों के मन में संदेह और है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जिन बड़े बड़े न्यायमूर्तियों को फेडरल सुप्रीम कोर्ट में रखा है और वहाँ की न्यायपालिका की व्यवस्था ऐसी है कि वो आजीवन फिर वहाँ काम करते हैं, तो यदि दक्षिणपंथी ट्रंप समर्थक लोग न्यायालय में रहते हैं तो शायद राष्ट्रपति के निरंकुश आचरण को संयमित करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। अभी ये सारी आशंकाएं लोगों के मन में हैं। अभी भी अमेरिका न पूरी तरह से मुक्त हो सका है कोरोना संक्रमण से, बढ़ते मौत के आंकड़ों से, और ये जो नस्लवादी आंदोलन था ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु को आज 15 दिन से अधिक हो चुके हैं, किंतु ये दंगे अभी भी के हुए हैं। अभी हाल अटलांटा के पुलिस अध्यक्ष को जो महिला थी इस्तीफा देना पड़ा है क्योंकि वहाँ एक और अश्वेत व्यक्ति को एक पुलिस वाले ने गोली मार दी, और एक कैलिफोर्निया में एक अश्वेत युवक का शव पेड़ से लटकता पाया गया है। उसके परिवार वालों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं हत्या का मामला है। तो आने वाले दिनों में ये नस्लवादी हिंसा, ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था की दिक्कतें और संवैधानिक संकट संघीय व्यवस्था के और चुनाव के हमें निरंतर देखने को मिलेंगे।
दूसरा देश जो अचानक सुर्खियों में आया है वह भी अमेरिकी महाद्वीप का है, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का, ब्राज़ील। और ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसको भारत अपना साथी साझेदार देश मानता है, क्योंकि ब्राज़ील सदस्य है ब्रिक्स का, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन दक्षिण अफ्रीका के साथ मिले हैं। और ये माना जाता है कि ये जो समुदाय है ये दुनिया के, तीसरी दुनिया के उन सारे देशों का प्रतिनिधित्व करता है जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी है, जिनकी आबादी दुनिया में और किसी देश से बड़ी है, जिनकी भूसामरिक, भू राजनीतिक स्थितियाँ ऐसी हैं जिसकी अनदेखी कोई भी नहीं कर सकता। मगर ब्राज़ील पिछले कुछ समय से संकटग्रस्त रहा है। संकटग्रस्त इसलिए रहा है कि पहली बात तो ब्राज़ील इस बारे में अनोखा है कि दक्षिण अमेरिका के अनेक देश जो तानाशाही और सैनिक तानाशाही के शिकार रहे हैं, जो अपने को क्रांतिकारी कहते हैं मगर क्रांति का अर्थ वहाँ सैनिक बगावत से सत्ता परिवर्तन ही होता है, वहाँ लगभग 30-40 वर्ष से जनतंत्र निरापद था। और वहाँ के जो समाजवादी रुझान के राष्ट्रपति लुला थे उनके प्रति बैर भले ही अमेरिका की सरकारों को रहा हो, मगर एक तरह की स्थिरता ब्राज़ील में थी। और ऐसा लगता था कि ब्राज़ील जो प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का स्वामी है, अमेज़न के वर्षा वनों का लगभग 60-70% हिस्सा उसके पास है, वहाँ खनिज बहुत होते हैं, तो उन्हें लगता था कि ब्राज़ील स्थिर रहेगा और जनतंत्र वहाँ आगे बढ़ेगा। मगर लुला की मृत्यु के बाद जो उनकी उत्तराधिकारी हैं मदाम रऊफ, वो खास सफल न हो सकी और उनको भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद निकाल दिया गया। भ्रष्टाचार के आरोप लुला पर भी लगते रहे थे, मगर उनके बदले में जो दक्षिणपंथी सैनिक अफसर आए, ज़ाइर बोल्सोनारो, उनके साथ समस्या ये है कि उन्होंने ब्राज़ील को जिस मार्ग पर वो चल रहा था उसकी दिशा को बिल्कुल मोड़ने का प्रयत्न किया। और आज भले ही अमेरिका की तरफ नंबर दो पर ब्राज़ील है, जहां सबसे अधिक संख्या में कोरोना संक्रमित लोग हैं और जहां मरने वालों का आंकड़ा 1,00,000 के निकट पहुंच रहा है, मगर वहां परेशानी है कि बोल्सोनारो ने अपनी चिर परिचित आत्ममुग्ध तानाशाही मुद्रा में कहा था कि कोरोना वायरस तो एक नज़ला जुकाम है, इसके बारे में इतना परेशान होने की ज़रूरत क्या है। और बोल्सोनारो के राष्ट्रपति बनने के बाद से इस बात की भी अनदेखी की जाती रही है कि जनतांत्रिक ब्राज़ील में भी खाई बढ़ती रही है, शहरी मध्यवर्गीय अमीर लोगों के बीच में और जो लोग देहाती इलाके में रहते हैं या शहरों में भी रहते थे, जो काफ़ी गरीब थे, जो झोपड़पट्टियों में रहते थे, मलिन बस्तियों में रहते थे। और इस खाई की वजह से काफ़ी विस्फोटक संबंध समाज में थे और कानून और व्यवस्था के लिए चुनौतियाँ प्रकट हो रही थी। मगर इससे भी बड़ी और जो बुरी बात है वो ये है कि बोल्सोनारो ने बिल्कुल न केवल इन चीज़ों को अनदेखा किया, बल्कि उन्होंने बड़े पैमाने पर ब्राज़ील के वर्षा वनों की कटान और सफाई के आदेश दिए। उनका ये मानना था कि वहाँ पहले कुछ समय से आग लग रही थी और लोगों को चिंता ये थी कि यदि जंगल की आग को रोकने का प्रयास बोल्सोनारो ने नहीं किया तो उसके क्या घातक दुष्परिणाम हो सकते हैं मौसम बदलाव पे और पूरे विश्व को इसका कष्ट भुगतना पड़ सकता है। मगर बोल्सोनारो का मानना था कि यदि जंगल जल रहे हैं तो इसके बदले उन्हें काट कर उनका क्यों ना आर्थिक लाभ ही उठाया जाए। और उन्होंने कहीं इमारतें बनाने वालों को, कभी कहीं खान खोलने को, खदान में काम करने वालों के लिए इन वर्षा वनों को खोलना शुरू कर दिया। और यहाँ बसने वाले जो आदिवासी वनवासी थे, जो मूल निवासी, जो इंडियंस कहलाते हैं, रेड इंडियंस, अमेरिका के उत्तरी हों या दक्षिणी, उनको ये चिंता थी कि उनके जीवन का, अस्तित्व का संकट पैदा हो रहा है, उनकी जीवन शैली नष्ट हो रही है। अब तक ये अभयारण्य थे, उन लोगों के रहने की शरण स्थली थी, मगर इन दोनों में जब दुनिया का ध्यान अटका था तो कोई ये नहीं देख रहा था कि बोल्सोनारो सत्ता परिवर्तन के लिए क्या कर रहे हैं। जब बोल्सोनारो पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनके लड़कों पर लगे, तो उन्होंने अपने विधि मंत्री को बर्खास्त कर दिया। जो उनके विधि मंत्री थे, कानून के मंत्री थे, जो पुलिस व्यवस्था पर नज़र रखते थे, वो एक ईमानदार छवि के व्यक्ति थे और जनता उनका, ब्राज़ील की जनता उनका आदर करती थी। तब से लोगों के मन में शक ये हो गया है कि भले ही मुकदमे आज भी चल रहे हैं, मीडिया पर उनका पूरा नियंत्रण है और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि सेना की मदद से एक बगावत कर एक सैनिक शासन वहाँ जारी कर सकें जिसमें वो अध्यक्ष बने रहेंगे और जनतंत्र का सफाया ब्राज़ील में हो जाएगा। इससे बोल्सोनारो कुछ समय के लिए अपनी गद्दी बचा सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता है कि ब्राज़ील की समस्याओं का निराकरण इनसे हो जाए। और आने वाले दिनों में हम लोगों को ये देखना होगा कि ब्राज़ील के साथ हमारे रिश्ते किस प्रकार के होते हैं, क्योंकि रिश्ते किसी एक नेता के साथ देश के नहीं हो सकते हैं। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय हितों का संनिपात होना चाहिए, संयोग होना चाहिए, तभी सार्थक प्रगति आगे हो सकती है। हमारा ये भी मानना है कि एक बार हमको गंभीरता से सोचनी चाहिए कि ब्राज़ील का जो महिमा मंडन हुआ है वो कहीं ना कहीं उत्तरी
भी अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कारण हुआ है, जहां वह सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, सीधा स्वयं प्रवेश नहीं कर सकता था, वहां उसने ब्रिक्स के जरिए ब्राज़ील को आगे रखने की कोशिश की है, कहीं G20 में कहीं ब्रिक्स के जरिए, ताकि वो एक तरह से नज़र बनाए रख सके और एक तरह से प्रभावित कर सके उस घटनाक्रम को विश्व में अन्यत्र हो रहा है। संकट के इन दुर्दिनों में जब लगभग पूरा विश्व, अमेरिका हो, यूरोप या एशिया, रूस या चीन, जूझ रहा है कोरोना वायरस के संकट से, या कहीं कहीं पर्यावरण की चिंता भी कुछ लोगों को है, वहीं दुनिया के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां गृह युद्ध बदस्तूर जारी हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा था पिछले पूरे सप्ताह लीबिया में, और लीबिया में वहाँ जनरल हफ्तार, जो एक बागी जनरल हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने महीनों से घेराबंदी की थी देश की राजधानी त्रिपोली की, और ऐसा लगता था कि त्रिपोली पर उनका कब्जा हो जाएगा, तो जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड है, जो वहाँ की मान्यता प्राप्त सरकार है, और मान्यता प्राप्त तो ये कहिए कि जैसे संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त है और कुछ मित्र देशों की, मगर देश के बड़े हिस्से पर कब्जा जनरल हफ्तार की सेना का था, और उनको मजबूर होना पड़ा है एक कड़े मुकाबले के बाद पीछे हटने के लिए। उन्हें एक सामरिक महत्व का हवाई अड्डा खाली करना पड़ा, और अब लोगों को लग रहा है कि उनकी शिकस्त का दौर शुरू हो चुका है। मगर कोई भविष्यवाणी करने के पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि लीबिया में जो कुछ हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है। आज से कोई 9-10 साल पहले 2011 में, जब अमेरिका ने सत्ता परिवर्तन के सिद्धांत को अमल में लाते हुए कद्दाफी को वहाँ से हटा दिया, उनकी हत्या हो गई, तो उसके बाद से यह देश गृह युद्ध में फंसा हुआ है, और कभी एक पक्ष का पलड़ा भारी होता है, कभी दूसरे पक्ष का, और दोनों ही पक्षों को जो समर्थन देने वाले हैं उनकी नज़र मूलतः लीबिया के तेल भंडार पर है। लीबिया के बारे में माना जाता है कि अफ्रीका में सबसे बड़ा तेल भंडार लीबिया के पास है, और इसी की कमाई के आधार पर कद्दाफी ने पूरे विश्व में अपना प्रभाव, अपनी छाप छोड़ी थी कई वर्षों तक। मगर अभी यह है कि जो अमेरिका ने निषेध लगाए हैं तेल उत्पादक और निर्यातक देशों पर, जिनमें ईरान एक प्रमुख देश है, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का दूसरा देश है, जिसके बारे में कहा जाता है कि संसार में सबसे बड़ा तेल भंडार का स्वामी हुआ है, मगर आज वो बहुत खस्ता हाल है अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण, तो कहीं ना कहीं लीबिया में जो कुछ हो रहा है उसके तार पहुंचते हैं एक ओर मध्य पूर्व में तेल की राजनीति में सऊदी अरब तक, तो दूसरी ओर पहुंचते हैं वेनेजुएला तक। जनरल हफ्तार के बारे में कहा जा रहा था कि कुछ ही महीने पहले उन्होंने खुफिया यात्रा की थी वेनेजुएला की, जिनके साथ समझौते किए थे कि वेनेजुएला जो अपने तेल का निर्यात नहीं कर पा रहा है, पहले ईरान को करता था, अब असंभव हो गया है, तो वो वहाँ से उस तेल के कच्चे तेल को लाएँ लीबिया, और यहाँ से कुछ तेल के जो उत्पाद हैं उनको वेनेजुएला तक पहुँचाएँ ताकि वो बचा रहे सके। मगर इस काम में धीरे धीरे कठिनाई आ रही थी, और यदि आप देखें जो लड़ाई हो रही थी, तो जो हफ्तार के समर्थक हैं उनमें सऊदी अरब है, सऊदी अरब तो है ही, उसमें ईरान भी है, और इन दोनों पक्षों का साथ देने वाला विडंबना यह है कि पुतिन का रूस भी है। पुतिन का रूस भले ही अपने सैनिक वहां तैनात नहीं कर रहा है, मगर जो भाड़े के सैनिक होते हैं, मर्सिनरीज जिन्हें कहते हैं, वो रूस वहां भेजता रहा है, और रूसी वायुसेना का समर्थन पूरी तरह से हफ्तार को प्राप्त रहा है। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है यदि हम देखें मध्य पूर्व में अन्यत्र, सीरिया में जो गृह युद्ध चल रहा है उसमें भी ये है कि साथ लड़ने वालों में ऐसे लोग हैं जो दूसरे मोर्चों पर एक दूसरे के विरोधी हैं, सऊदी अरब और ईरानी मिलिशिया, लेबनान की हिजबुल्ला अल्लाह की सेना और पुतिन की वायुसेना, और दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है तुर्की, जो यूरोप में है भी और नहीं भी है, और नाटो का सदस्य रहा है अमेरिका का शुरू से, शुद्ध युद्ध के दिनों में, और कहीं ना कहीं यदि आप देखें तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने वाणिज्य छेड़ा था, चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाए थे, रूस के खिलाफ ईरान को निर्यात न करने दिया जा रहा था उसका तेल, और बल्कि जो लोग ईरान से तेल खरीद रहे थे जिनमें भारत भी शामिल था, भारत की तेल की आपूर्ति लगभग 20% हमारी जरूरतों की ईरान से होती थी, उन सब पर रोक लग गई है। तो कहीं ना कहीं यह जो घटनाक्रम लीबिया का है या सीरिया का है उसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं नहीं सीधे जिम्मेदार है, और इसके लिए शायद सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराना गलत होगा, बल्कि अमेरिका की जो तेल को लेकर राजनीति, रणनीति, समरनीति मध्य पूर्व में रही है, पश्चिम एशिया में रही है, अरब समाज में रही है, वो इसमें देखने को मिलती है। जो मिस्र है, वहाँ भी जब अरब वसंत के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ था तो लोगों को लगा था जनतांत्रिक सरकार बनेगी, मगर बहुत जल्दी मुस्लिम बिरादरी की एक छोड़ी अस्थायी सरकार के बाद वहाँ भी फिर एक तरह की तानाशाही वापस लौट आई है। तो अब लीबिया में जो कुछ हो रहा है उसमें फिर आप याद करें कि वेनेजुएला में क्या हो रहा है, कि वेनेजुएला में जो मादुरो राष्ट्रपति हैं वो शेवेज के बाद
अमेरिकियों के निशाने पर रहे हैं और अमेरिकनों की कोशिश ये है कि वहाँ या तो तख्तापलट हो जाए या सैनिक क्रांति हो जाए या वहाँ बगावत हो जाए, इसमें वो असमर्थ रहे हैं। उनके षड्यंत्रों का भंडाफाड़ हुआ है हास्यास्पद तरीके से, मगर उन्होंने इस बात के लिए वेनेजुएला को मजबूर कर दिया है कि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अब क्या ऐसा ही कुछ हमें देखने को लीबिया में मिलेगा? इसका क्या प्रभाव तेल की राजनीति पर पड़ेगा और जिन देशों की ऊर्जा सुरक्षा तेल के साथ जुड़ी है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जहां तक सऊदी अरब का सवाल है, एक बात और ध्यान में रखने की है कि यह घटनाक्रम सऊदी अरब के लिए सिर्फ लीबिया में महत्वपूर्ण नहीं है। जो सऊदी अरब में नए युवराज हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनकी कोशिश शुरू से यह रही है कि वो अपने को विश्व में एक आधुनिकीकरण लाने वाला, अपने देश को कमोबेश सहनशील, इस्लाम का अनुयायी बनाने वाला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिलाने वाला बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस छवि को नष्ट किया था पत्रकार खाशोगी की हत्या ने, जिसकी हत्या तुर्की में हुई थी और उसके तार षड्यंत्र के सीधे पहुंचते थे सऊदी राजमहल तक, मगर इसके अपराधियों को पकड़कर तत्काल मृत्युदंड दे दिया गया ताकि इसके आगे कथानक न बढ़ सके। मगर चूंकि अभी भी ये मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप सऊदी अरब पर लगाए जाते रहते हैं, वहाँ पलक झपकते न तो प्रशासन बदल सकता है न वहाँ की सामाजिक संस्कार की प्रणाली बदल सकती है, किंतु सऊदी अरब का प्रयास ये है कि वह अपना पदचिन्ह संसार में राजनीति जितना फैला सके फैलाए। एक छोर पर वह लीबिया और बरसता लीबिया वेनेजुएला तक पहुँचता है तो दूसरी ओर वह सीरिया तक पहुँचता है। मगर जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका बर्दाश्त कर रहा है इसको एक सीमा तक ही। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी पिछले 8-10 दिन में ही कि अरे ये सऊदी अरब अपने को क्या समझता है, यदि मैं चाहूं तो इनको जो सुरक्षा मैंने प्रदान की है वो वापस ले लूंगा और 2-3 दिन में इनका शाही परिवार जो है वो पदच्युत हो जाएगा। निश्चित रूप से ये बात सऊदी अरब को सुनने में बहुत बुरी लगी होगी, मगर सऊदी अरब की व्यवस्था ये है कि अपने तेल संसाधनों के शोधन के लिए, परिष्कार के लिए, उनके परिवहन निर्यात के लिए वो दूसरों पर, खासकर अमेरिका पर और पश्चिमी देशों पर निर्भर हैं। अगर तेल का युद्ध होता है, तेल युद्ध की बात भी अक्सर होती रही है, तो एक बुनियादी टकराव इस पुराने सामरिक साथी सऊदी अरब से और अमेरिका के बीच होने लगा है कि अमेरिका में जो शेल तेल उत्पादक हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा सऊदी अरब के तेल की थी। अमेरिकी शेल तेल उत्पादकों को लगता था कि जब तेल की कटौती होगी, मांग की पूर्ति के लिए लोग अमेरिका की ओर देखेंगे तो शेल तेल बाज़ार में अपनी जगह बना लेगा। ये चिंता बेहद सऊदी अरब को थी क्योंकि पहले उन्हें लगता था कि शेल तेल का उत्पादन बहुत महंगा सौदा है, वो कभी मुकाबला नहीं कर पाएगा सऊदी तेल का, मगर सऊदी तेल की कीमत आज करीब अमेरिकी डॉलर 40 के आसपास प्रति बैरल पहुंच चुकी है, जबकि शेल तेल का उत्पादन इसके थोड़ी कम कीमत पर भी अमेरिकी तेल उत्पादकों के लिए लाभप्रद हो सकता है। और यही बात रूस के साथ है, जब सऊदी अरब ने पेशकश की थी कि तेल के उत्पादन में कटौती की जाए ताकि उनके अंतर्राष्ट्रीय दामों को स्थिर रखा जाए, तो पुतिन ने मना कर दिया था क्योंकि पुतिन का भी मानना यह है कि जो रूसी तेल है उसका उत्पादन, उनका कहना है कि यदि वो 25-30 अमेरिकी डॉलर तक भी कीमत गिर जाती है तब भी उनके लिए लाभप्रद रहेगा। बुनियादी की है कि वो अमेरिका के तेल शेल उत्पादक हों या रूस के तेल उत्पादक हों, वो आत्मनिर्भर हैं और ये दोनों ही बड़े देशों की महाशक्तियों की आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं ऐसी हैं जो एक संसाधन पर निर्भर नहीं है। जबकि सऊदी अरब का भले ही विदेशी मुद्रा का भंडार बहुत विपुल हो, मगर उसके लिए बचाए रखना इस भंडार को बहुत कठिन है क्योंकि उनकी कीमतें तेल उत्पादन की एक सीमा से कम नहीं हो सकती हैं। और इसके अलावा सऊदी अरब निशाने पर रहा है ईरान के। ईरान से विमान रहित जो ड्रोन आए हैं उन्होंने सऊदी रिफाइनरियों पर हमला किया है और इन सब की रक्षा के लिए सऊदी अरब को जिस तरह के सैनिक संरक्षण की ज़रूरत है वह उसे सिर्फ अमेरिका ही दे सकता है। तो आने वाले दिनों में यह सोचना कि क्या सऊदी अरब अपने विकल्प जो फैला रहा है, राजनयिक विकल्प और सामरिक विकल्प, वो किस हद तक हमें प्रभावित करेंगे। सऊदी तेल उत्पादक कंपनियों ने बड़ी मात्रा में निवेश किया है भारतीय तेल कंपनियों में, भारत के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हुए हैं, उन्होंने अपने प्रभाव का प्रयोग कर जो अमीरात हैं वहाँ के देशों से, अबू धाबी, दुबई आदि से जो वहाँ अपराधी भारत के शरण ले रहे थे उनके प्रत्यावरण में बहुत मदद भारत की है, मगर क्या ये रिश्ता बहुत लंबे समय तक सार्थक रह सकता है यदि अमेरिका इसका विरोध करे, और किस हद तक ये हमारे और तेल उत्पादक देशों के साथ रिश्तों को प्रभावित करेगा ये देखने लायक होगा।
दुनिया के दूसरे बड़े देशों की तरह और बड़े ही क्यों छोटे देशों की तरह रूस भी कोरोना संकट से जूझ रहा है, मगर कोरोना संकट से जूझने के साथ एक राजनीतिक संकट भी रूस के सामने उठ खड़ा हुआ है। मगर पहले बात कोरोना संकट की, पहले रूस ने कहा कि उसके यहाँ संक्रमण बहुत कम है, मगर आज स्थिति ये है कि दुनिया के चौथे नंबर के देशों में जहाँ संक्रमण सबसे अधिक है रूस पहुँच चुका है, अमेरिका, ब्राज़ील और भारत के बाद, और आने वाले दिनों में स्थिति और भी विकट हो सकती है। कुछ लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा है स्वयं रूस में कि पुतिन जो अपने को प्रकट करते थे, पेश करते रहे थे एक समर्थ, ताकतवर, करिश्माई नेता के रूप में, क्यों इस कोरोना संकट के समय पीछे हट रहे हैं, क्यों उन्होंने इस पेंडेमिक से, महामारी से लड़ने की जिम्मेदारी अपने मातहत अधिकारियों को सौंप दी है, प्रादेशिक सूबेदारों को सौंप दी है और स्वयं निरापद रहने को चले गए हैं मॉस्को के निकट अपने एक ढांचा में। क्या इससे उनकी छवि कुछ धूमिल होगी, क्या कमजोरी प्रकट होगी, क्या इस जो जनाधार घटेगा इसका प्रभाव उनके राजनीतिक भविष्य पर पड़ सकता है। जहाँ तक पुतिन के राजनीतिक भविष्य का सवाल है, ये सवाल कोरोना संकट के पहले से लोगों को परेशान करता रहा है कि पुतिन के पहले दो कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में कमोबेश बहुत सफल थे। तब तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, उन्होंने रूस की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लौटा दिया था रूस की तेल संपदा का उपयोग करते हुए, और उन्होंने नाक में नकेल कसी थी ओलिगार्कों की जो दंड सामाजिक तत्व थे और बेहद ताकतवर हो गए थे। उन्होंने कहीं ना कहीं अंकुश लगाया सोवियत साम्यवादी पार्टी के दिनों से जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस पर, और उन्होंने कई कदम ऐसे उठाए जिससे लोगों को ये आशा जग रही थी कि धीरे धीरे एक बार रूस में आंतरिक स्थिति में नियंत्रण करने के बाद वो जनतांत्रिकरण का बिरवा वहाँ रोपेंगे और शायद आर्थिक उदारीकरण के साथ साथ राजनीतिक खुलापन भी रूस में देखने को मिलेगा। इसमें लोगों ने इस नतीजे तक पहुंचने में काफ़ी जल्दबाजी की, क्योंकि रूस का जो इतिहास है वो लगभग निरंकुश शासकों का इतिहास रहा है, ज़ारशाही का हो या बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन, स्टालिन आदि का, और कमोबेश क्रुश्चेव के बाद या मिखाइल गोर्बाचोव के पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट के बाद भी कोई खास जनतांत्रिकीकरण उस तरह का पश्चिमी नमूने का सोवियत संघ या रूस में देखने को किसी को नहीं मिला था। तो शायद ये कल्पना करना कि आशा करना, अपेक्षा करना कि पुतिन इतिहास की धारा पलट देंगे थोड़ा गलत था। दूसरी बात ये थी कि जो दूसरा कार्यकाल पुतिन का है, उन्होंने पहली बार तो रूसी संविधान की आत्मा और अक्षर की रक्षा की, उसकी मान्यता का निर्वाह करते हुए तीसरी बार चुनाव सीधे नहीं लड़ा, अपने उत्तराधिकारी मेदवेदेव को चरण पादुकाएं सौंप दी, मगर उसके बाद मेदवेदेव को पुनर्निर्वाचन का मौका नहीं दिया गया। फिर पुतिन प्रकट हुए और जब वो दोबारा राष्ट्रपति बने हैं तब से अब तक की बात स्पष्ट हो गई है कि उनके तेवर जुझारू हैं और पश्चिमी देशों के साथ मुठभेड़ वाले हैं। ये स्थिति तब से काफ़ी बिगड़ गई है, पहले भी इस तरह की हरकतें होती थीं जो उनके विरोधी थे, ऐसे गुप्तचर थे, उनकी गुप्तचर सेवाओं के अधिकारियों के द्वारा हत्या लंदन आदि में होती रही थी और ये माना गया था कि वो राजनयिक शिष्टाचार का निर्वाह नहीं करते हैं। उन पर यह भी आरोप लगा था कि रूसी गुप्तचर सेवा ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कुछ हाथ बटाया था और इसी कारण उनसे उपकृत होने के कारण ट्रंप को छूट के खिलाफ ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, किंतु कुल मिलाकर ट्रंप ने उनके खिलाफ जो आर्थिक निषेध थे वो बरकरार रखे हैं और रूस इसके कारण कठिनाई में पड़ा रहा है। मगर रूस ने जब से क्रीमिया पर कब्जा किया तब से लोगों को लगा कि रूस के तेवर आक्रामक और विस्तारवादी हैं। इसका विश्लेषण करते वक्त हमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि रूस जब से उसका विस्तार एक बड़े राज्य के रूप में हुआ है, भले यूरोपीय बड़ी ताकतें उसे अपनी बिरादरी से बाहर ही रखती थी, बाहर ही समझती थी, मगर उसने कुछ अपने राष्ट्रहित के ऐसे मुद्दे हैं जिनको बहुत संवेदनशील समझा है, जिनमें एक मुद्दा है गर्म समुद्र तक बंदरगाह जो हैं वहाँ तक अपनी पहुँच को निरापद रखने का। तो जब पश्चिमी देशों ने, अमेरिका ने और यूरोपीय समुदाय ने ये निमंत्रण दिया उन पूर्वी देशों को जो कभी सोवियत संघ की छत्रछाया में रहते थे और सोवियत साम्राज्य के विघटन और विखंडन के बाद बिखर रहे थे, कि वो यूरोपीय समुदाय के सदस्य बने जिनमें पोलैंड या हंगरी, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुनिया आदि देश शामिल थे, और उनको आकर्षित करने के लिए ये भी कहा गया कि यदि आप चाहें तो आप नाटो के सदस्य बन सकते हैं, तो सतर्क होना सोवियत संघ का बेहद ज़रूरी था, क्योंकि सोवियत संघ को लगता था कि इसके बाद पश्चिमी देश बिल्कुल उसकी सरहद तक आ पहुंचेंगे और निरंतर उसे कमज़ोर करने के प्रयास जारी रहेंगे। जिस तरह की आर्थिक विकास की, आर्थिक मदद की योजनाएं वो बना रहे थे पूर्वी यूरोप से आए देशों के लिए, उसका एक सतांश भी वो रूस को देने को तैयार नहीं थे। और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेफ्री सैक्स ने ये उद्घाटन किया है कि जब वो सलाहकार अमेरिकी व्हाइट हाउस के थे तो उन्होंने रूस को अपने साथ लाने के लिए, रूस के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए भी बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता देने की पेशकश की थी, जिसे किसी ने स्वीकार नहीं
नहीं किया, क्योंकि शीत युद्ध में जो रूस शत्रु माना जाता था वो आज भी पश्चिमी देशों के लिए शत्रु ही माना जाता है। तो ये बात पुतिन के आचरण के बचाव के लिए नहीं है, मगर उसके लिए है कि रूस यदि पश्चिमी देशों द्वारा अपने से फर्क देश नस्ल भाषा संस्कार की दृष्टि से समझा जाता है, सिर्फ टेक्नोलॉजी और सैनिक साज सामग्री के निर्माण के बारे में बराबरी दोनों की मानी जाती है, तो ये प्रतिस्पर्धा पलक झपकते समाप्त हो जाएगी ऐसा मानना कठिन है। रूस में अपनी सत्ता को अपने अधिकारों को निरापद रखने के लिए पुतिन ने हाल ही में कुछ संवैधानिक संशोधन प्रस्तावित किए थे। देखने में ऐसा लगता है कि वो जनतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, मगर यदि आप इनका अच्छी तरह विश्लेषण करें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो संसद को अधिकार दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति की निगरानी में ही रहेंगे, और राष्ट्रपति तब भी जब चाहेगा अपनी इच्छानुसार शासन में परिवर्तन कर सकता है। तो अगर ये संशोधन पारित हो जाते हैं तो फिर पुतिन जब तक शारीरिक रूप से समर्थ हैं वो सन 2034 तक निरापद अपने पद पर बने रह सकते हैं, जब वो 70-75 की आयु की दहलीज पार कर चुके होंगे। तो कई लोगों को लगता है कि कोरोना संकट के कारण इन संवैधानिक संशोधनों को पारित कराने में या तो थोड़ी अड़चन आ सकती है, या पुतिन उन संवैधानिक संशोधनों को इस संकट के कारण ज़्यादा आसानी से पारित करा सकेंगे। मगर ये उनका आजीवन राष्ट्रपति बने रहना शी जिनपिंग की तरह या स्वयं अपने को आजीवन राष्ट्रपति बनाए रखना रूस का, ये रूसी जनता की चिंता का विषय है। जहाँ तक शेष विश्व का प्रश्न है, हमारे साथ समस्या ये होगी कि क्या इसके प्रभाव उनके पड़ेंगे और देशों के साथ रिश्ते के साथ। पुतिन के सामने एक चुनौती इस समय और अप्रत्याशित प्रकट हुई है कि साइबेरिया में कुछ तेल के कूपों में आग लग गई है, वो आग बुझाई नहीं जा सक रही है, और उसे बुझाने के लिए पुतिन को ये आदेश देना पड़ा है कि तोप से टैंक से भारी भारी गोले वहाँ छोड़े जाएं, और इन विस्फोटकों के कारण ही वो आग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा और शायद उस पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। यही एक समस्या और है जो साइबेरिया में पर्यावरण के साथ जुड़ी हुई है कि सोवियत संघ के दिनों से ही जो विस्तार इस देश का था वो उसमें आज काफ़ी कटौती हुई है, मगर आज भी रूस लगभग एक ओर साइबेरिया से दूसरी ओर उराल पर्वतमाला तक फैला हुआ है, उत्तर में आर्कटिक कटिबंध से लेकर ये मध्य एशिया तक आया हुआ है। तो कहीं भी पर्यावरण का कोई परिवर्तन होता है उसका प्रभाव रूस पर पड़ सकता है। ये मानिए कि रूस में आबादी का घनत्व तो कम है, मगर अंततः पर्यावरण से अंतर पड़ेगा, और जहाँ साइबेरिया और तेल का प्रश्न है उस तेल का सबसे आकर्षक खरीदार चीन है, मगर जब से चीन में कोविड फैला है तो उस सरहद से कोविड संक्रमण रूस में आने का खतरा बढ़ा है और कुछ तनाव इस कारण भी वहाँ पैदा हुआ है। तो रूस को इन तीनों मोर्चों पर नज़र रखनी पड़ेगी, कोविड संक्रमण पर, राजनीतिक परिवर्तन पर और पर्यावरण के बदलाव पर। कोरोना संक्रमण की जिम्मेदारी विश्व के अधिकांश देश चीन पर थोप रहे हैं। उनका मानना है कि या तो चीन किसी ऐसे जैविक अस्त्र का अन्वेषण करने की कोशिश में लगा था जिसको नियंत्रित नहीं कर पाया और वो वायरस वुहान की प्रयोगशाला से बाहर निकल आया। कुछ लोगों को लगता है कि चीनी जो कुछ खाद्य खाते हैं उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति पर वायरस का कूदना संभव हो पाया, वो चमगादड़ हों या समुद्री जीव जंतु हों। और ये इस बात को बिल्कुल आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार कोरोना वायरस पर संक्रमण पर काबू पाने के बाद दोबारा इसका विस्फोट बीजिंग में होने लगा है, और चीन ने जो ये दावा करना शुरू किया था कि उन्होंने कोरोना को वायरस को हरा दिया है, उन्हें दोबारा घरबंदी तालाबंदी के लिए मजबूर होना पड़ा है। मगर जहां तक चीन पर यह आरोप लगाने का प्रश्न है, सबसे बड़ा आरोप चीन पर यह लगाया जाता रहा है कि चीन ने अपने दबाव में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को सही फैसले सही परामर्श और देशों को नहीं देने दिए, ताकि लोग समय रहते अब बचाव का कुछ कदम उठा सकते और इस वायरस को रोक सकते। चीन चारों तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ उस पर अमेरिका का वाणिज्य युद्ध है, दूसरी तरफ ट्रंप उस पर वायरस युद्ध की का आक्षेप लगा रहे हैं, और तीसरे चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में दुनिया भर में अटकलें लगाई जा रही हैं। अब दिक्कत यह है कि चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था उसके साथ काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। तो यदि डोनाल्ड ट्रंप चीन के बहिष्कार की बात करते हैं या चीन की घेराबंदी की बात करते हैं तो उसका क्या प्रभाव अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, दुनिया के दूसरे देशों पर पड़ सकता है, यह सोचने लायक होगा। चीन को एक
आशा की किरण कोरोना वायरस संकट में नजर आती है वो ये है कि हांगकांग में जिस जनतांत्रिक आंदोलन का मुकाबला वो लगभग 2 साल से कर रहा था और काफ़ी उसकी जान सांसत में थी, उस पर वो कोरोना वायरस के दिनों में एकाएक नियंत्रण पा सका है और उसने उसे लगभग देश की एकता अखंडता का प्रश्न बनाया हुआ था और वहाँ अब जो एक गतिशील आंदोलन था उसमें एक बहुत बड़ी अड़चन आ गई है और ऐसा नहीं जान पड़ता है कि चीन अब हांगकांग में किसी भी तरह के प्रतिरोध का सामना करे और वो जो एक राज्य दो व्यवस्थाएं वाली नीति थी वो अब लगभग समाप्त प्राय है। एक पक्ष और है कि जो लोग अब तक पश्चिमी देश अमेरिका या यूरोप के देश चीन पर ये आक्षेप लगा रहे थे कि वो मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, वो जनतांत्रिक अभिलाषाओं का हनन कर रहा है, आत्मनिर्णय के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, उन सबसे चीन पलट कर ये पूछ सकता है कि जब आप खुद नस्लवादी हिंसा के शिकार हैं, जब आपके यहाँ खुद मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप किस मुँह से चीन पर आक्षेप लगाते हैं। मगर अमेरिका ने जो चीन की घेराबंदी की कोशिश की है वो चाहे प्रशांत क्षेत्र में हो, वो क्वाड को लेकर हो, वो भारत को शामिल करके हो, जापान और दक्षिणी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ, और कुछ उन प्रतिबंधों को हो कि आप चीन के साथ व्यापार नहीं करेंगे, तो ये अमेरिका की अपनी मजबूरियां हैं और शायद चीन इस बात को चुपचाप रहकर बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसके कुछ लक्षण हमें देखने को मिलते हैं चीन और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जब जौ का निर्यात बंद किया तो फौरन चीन ने कहा कि वहाँ रंगभेदी नीतियाँ होती हैं और अब चीनी विद्यार्थी पढ़ने को ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे, जो वहाँ कुल पढ़ने वाले विदेशी विद्यार्थियों का 10% हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में चीन के जो रिश्ते दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, वो तो हैं। हाँ, जहाँ तक जापान और दक्षिणी कोरिया का सवाल है, ये तो अमेरिकी सैनिक संरक्षण की छत्रछाया में रहने के आदी हैं, तो शायद इनके पास कोई विकल्प नहीं है। किंतु ऑस्ट्रेलिया जैसे जो गोरे देश हैं, जो स्वयं नस्लवादी आरोपों से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं, उनके लिए या कनाडा के लिए चीन के साथ अपने रिश्ते दोबारा तलाशने की ज़रूरत होगी और शायद यही चुनौती भारत के सामने भी होगी। भारत भी जब कोरोना संकट से संघर्ष कर रहा था, उसे अप्रत्याशित कुछ संकटों का सामना करना पड़ा है सरहद पर। एकाएक नेपाल ने, जिसके साथ भारत के संबंध बेहद मैत्रीपूर्ण रहे हैं, ये आपत्ति दर्ज कराई कि जिस सड़क का निर्माण और उद्घाटन कल्पित तरीके से किया था भारत के रक्षा मंत्री ने, जो जोड़ती थी भारत को उस सरहद से जो तिब्बत और नेपाल के साथ जुड़ी हुई है, जहाँ काला पानी है, जहाँ लिपू लेक है, जहाँ लिम्पिया धूरा है, और तीन देशों की सीमाएं यहां मिलती हैं, और यहां से मानसरोवर जाने वाला मार्ग बहुत छोटा हो जाता है। न केवल मानसरोवर की तीर्थयात्रा सहज होती है, बल्कि चीन सरहद तक भारतीय सेनाओं को पहुंचाने के लिए भी समय जो लगता था उसमें काफी कटौती हो सकती थी। पहले नेपाल ने कभी इस तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी, मगर उसने तत्काल ये कहा कि भारत ने उसकी भूमि पर कब्जा किया हुआ है और तत्काल एक नक्शा युद्ध शुरू कर दिया। एक उन्होंने नक्शा बनाया जिस नक्शे में इस सारे भूभाग को अपने यहां दिखाया, और उसके बाद सुगौली संधि का हवाला देते हुए तत्काल एक संवैधानिक संशोधन प्रस्तावित किया और अफरा तफरी में बहुत उतावली में इसे संसद के सदनों से पारित कराकर अब संशोधन को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। भारत सरकार की आपत्ति ये थी कि ये सब करने के पहले शायद राजनयिक संवाद के जरिए विवाद को सुलझाने की बात की जा सकती थी, और जब से भारत और नेपाल की 1950 वाली मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं, कभी भी ये विवाद नहीं हुआ है। काला पानी जल को लेकर विवाद होता रहा है, मगर लिपू लेक और लिम्पिया धुरा को लेकर ऐसा विवाद नहीं हुआ है। और ये इस तरह का कथानक है कि यदि सुगौली की संधि की भी आप बात करें तो सुगौली की संधि इतनी अस्पष्ट है कई चीज़ों के बारे में, नदियाँ अपनी धारा भी बदलती हैं और जो निर्जन नो मैन्स लैंड जैसा भूभाग है वहाँ कोई ऐसा चिन्ह नहीं है, कोई ऐसा चिन्हित ये सीमा रेखा नहीं है कि कहा जा सके कि यही जीरो पॉइंट है और यहीं से सारी चीज़ें शुरू होती हैं आदि आदि। दुर्भाग्य ये हुआ कि भारत में कुछ वक्तव्य इस तरह के दिए गए जिनमें हमारे सेनाध्यक्ष भी थे, जिन्होंने कहा कि नेपाल अपने आप में ये नहीं कर रहा है, नेपाल किसी देश की शह पर ऐसा कर रहा है। जाहिर है कि ये इशारा चीन की तरफ था और नेपालियों को ये बात बहुत नागवार गुजरी, क्योंकि वो एक संप्रभु राष्ट्र हैं, उनका स्वाभिमान इससे आहत हुआ कि कहा जाए कि वो चीन के कठपुतले हैं या चीन के हाथ में खेल खेल रहे हैं। जबकि यथार्थ ये है कि जब से प्रधानमंत्री ओली ने पदभार संभाला है, नेपाल का राजनय, नेपाल की विदेश नीति भारत द्वेषी और चीन समर्थक निरर्थक बनती गई है। उन्होंने कभी इस बात को छुपा कर नहीं रखा है, मगर दुर्भाग्य यह भी है, विडंबना इसे कहना चाहिए दुर्भाग्य से अधिक, कि जो भी नेपाली राजनेता
भारत के पक्ष में कोई बयान देता है उसे देशद्रोही समझा जाता है। और यही स्थिति कमोबेश भारत में है। भारत एक बड़ा देश है, यदि यहाँ आप नेपाल के पक्ष में कोई बयान दें तो लोग आपको देशद्रोही मान लेते हैं और मानते हैं कि आप नेपाल का तुष्टिकरण कब तक करते रहेंगे। नेपाल के बारे में एक भ्रांति और है, हम ये मानकर चलते हैं कि हमारे सदियों पुराने संबंध हैं, रोटी बेटी के संबंध हैं और हमारी हिंदू बुद्ध तांत्रिक संस्कृति की विरासत साझे की विरासत है, इसलिए हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। मगर हम ये भूल जाते हैं कि जब देश संप्रभु होते हैं तो वो सांस्कृतिक विरासत हो, वो भाषाई विरासत हो। हिंदुस्तान और पाकिस्तान इस बात का ज्वलंत उदाहरण है, बांग्लादेश भी इस बात का उदाहरण है कि उनके अपने राष्ट्रहित हो जाते हैं, अपनी संप्रभुता को लेकर वो संवेदनशील हो जाते हैं और ये विरासतें सदियों पुरानी सांस्कृतिक या भाषाई या रोटी बेटी के संबंध काम नहीं आते हैं, बल्कि शायद यही झगड़े सबसे ज़्यादा विस्फोटक, रक्तरंजित और घातक होते हैं। मगर जब ये विवाद चल ही रहा था तो वही रोटी बेटी के संबंध वाली बात है कि मधेस वाला इलाका जो नेपाल का मैदानी इलाका है, जो जुड़ा है बिहार की सरहद से, उत्तर प्रदेश की सरहद से, वहाँ कोई बेटी अपने मायके जाने की कोशिश कर रही थी जो नेपाल में सरहद के उस पार था। नेपाल ने इस बीच कोरोना संक्रमण को देखकर, ओली जी का एक बड़ा विचित्र बयान था कि भारत तो अब कोरोना वायरस का प्रयोग नेपाल के विरुद्ध कर रहा है, तो वो रुकावट वहाँ पर आई और जो भावावेश में लोग झगड़ा फसाद थोड़ा वहाँ हुआ, वहाँ नेपाली प्रहरियों ने उत्तेजनावश गोली चलाई और एक भारतीय युवक की मृत्यु हो गई और अनेक लोग घायल हुए। मगर ये बात अचानक हुई हो और एक ही जगह हुई हो ये मानना थोड़ा कठिन है, क्योंकि नेपाल ने उसके तत्काल बाद अपनी सीमा पर जहाँ जहाँ नेपाल प्रहरी थे वहाँ नेपाल सशस्त्र प्रहरी तैनात कर दिए, अर्थात संकट को थोड़ा गहरा रहा है संकेत देने की कोशिश की। अब बात करें चीन की। अब तक चीन चुप जो बैठा था, उसने लद्दाख में भारतीय सीमा का अतिक्रमण तेज कर दिया और एकाएक भारतीयों को इस बात का पता चला कि उसने ग्वालांग घाटी में लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी के पास अपना बड़ा जमाव किया है, अपने सैनिकों के लिए शिविर बनाए हैं और एक पक्की सड़क का निर्माण कर रहा है। अब ये सारा इलाका ऐसा है कि यदि चीन है वह भारत से ऊँचाई पर स्थित है और यहाँ भी वो बिल्कुल निर्जन बर्फीला रेगिस्तान है जहाँ कहीं कभी सीमा रेखा चिन्हित हुई ही नहीं है, शायद करना भी असंभव है। बड़ी आसानी से लोग इस जगह टक्कर अनचाहे एक दूसरे की सीमा का अतिक्रमण कर सकते हैं, मगर उसको अब तक सुलझाया जा चुका था झंडा मार्चों से, स्थानीय कमांडरों की बातचीत से। यदि इस बार ऐसा नहीं हो रहा है तो शायद कोरोना संकट से लड़ने में असमर्थता के कारण, शायद हांगकांग में जनतांत्रिक आंदोलन से का मुकाबला करने में असमर्थ होने के कारण, और यही बात चीन भारत के संदर्भ में कह सकता है कि अपनी आंतरिक समस्याओं से ध्यान बटाने के लिए दोनों देशों ने सीमा पर संकट को इस बार अनावश्यक तूल दिया है। और जब जनरलों की बातचीत सफल रही तो फिर एक राजनयिक वार्ता की गई और फिर ये कहा गया कि दोनों पक्ष पीछे हटने को राजी हो गए हैं और काफ़ी लंबे समय तक हमको इस विवाद के निपटारे के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं भूले भटके हमें यह बात ज़रूर याद करनी चाहिए कि शायद ये शुरुआत मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल की है, जिन्होंने कहा था कि चीन के साथ हमारे आर्थिक संबंधों की नज़ाकत और उनका पैमाना इतना बड़ा है कि हमको सीमा विवाद को ठंडे बस्ते में डाल देना चाहिए। तो सीमा विवाद को ठंडे बस्ते में डालने कि उनकी सलाह का ही शायद ये परिणाम हमको आज देखने को मिल रहा है। एक पक्ष और है कि अगस्त में पिछले वर्ष जब भारत ने जम्मू कश्मीर राज्य में प्रशासनिक संशोधन किए और दो केंद्रीय इकाइयों की स्थापना की, तब चीन बोला नहीं। तब जब पाकिस्तान ने चीन की मदद मांगी तो कि दिखाने को चीन ने संयुक्त राष्ट्र में या अन्यत्र उसको राजनयिक समर्थन दिया, पर यह सलाह स्पष्ट रूप से दी कि ये दो देशों के बीच आपस में उभयपक्षीय वार्ताओं से सुलझाया जाने वाला मसला है। मगर आज उसके तेवर बदल चुके हैं। आज चीन का ये मानना है कि यहाँ वह भी एक पक्ष है। वो पक्ष इसलिए है कि चीन पाकिस्तान ने भारत के जिस भूमि पर कब्जा किया था, जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहता है और जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, वहीं से अक्साई चीन का मार्ग चीन का जाता है। और अक्साई चीन का मार्ग तो पुरानी बात हो गई, जो वन बेल्ट वन रोड वाली बड़ी महत्वाकांक्षा परियोजना चीन की है वो भी यहीं से होकर गुजरती है और उसके लिए इस भूभाग पर उसका कब्जा होना बेहद महत्वपूर्ण है। तो चीन के लिए लद्दाख और पाकिस्तान बेहद महत्वपूर्ण है और भारत की घेराबंदी का जो प्रयत्न चीन करता रहा है उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी पाकिस्तान है 62 से आज तक, और इसको अनदेखा करना कठिन है। जो घटनाक्रम पिछले हफ्ते 10 दिन का है उसको समझने के लिए हमें चीन का आधी सदी से भारत के साथ बर्ताव समझना होगा। कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी पंचशील, कभी हिंदी चीनी भाई भाई, चीनी नेता एक बात कहेंगे और ग्लोबल टाइम्स जो सरकारी अखबार है वो दूसरी बात कहेगा, चीन के भारत में स्थित राजनयिक एक बात कहेंगे, पाकिस्तान में स्थित राजनयिक
दूसरी बात कहेंगे, भारतीय सेना ठोंक कर कहेंगे आज का भारत सन 62 का भारत नहीं है, और चीन कहेगा आज का चीन सन 62 का चीन नहीं है। यदि भारत ने कोई धूर्तता उतावली की तो उसे सबक सिखाया जा सकेगा, हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मगर जो बात महत्वपूर्ण है वो यह है कि हमारा भी चीन के साथ व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और हमें अपनी सीमा सुरक्षा के बारे में भी निरापद रहने की ज़रूरत है। चीन शायद संकेत भारत को ये दे रहा है कि वह डोनाल्ड ट्रंप के झांसे में न आए, वह क्वाड का सदस्य न बने, वह सारे अंग्रेजी मुहावरे में जिसे कहते हैं अपने अंडे एक ही डलिया में न रखे, और वो चीन के साथ अपने संबंधों को ख़राब न करे। मगर भारत के साथ ये बड़ी कठिन समस्या आने वाले दिनों में आने वाली है कि यदि हम अमेरिका को छोड़कर, जिसके साथ हम पिछले 20 वर्षों में निरंतर अपने संबंधों में सुधार करते रहे हैं, रूस की उपेक्षा करते हुए, उदासीन होते हुए, ईरान से अपने संबंधों में कटौती करते हुए, क्या हम एकाएक अब चीन के पास जा सकते हैं, और क्या चीन हमको दोयम दर्जे का मानकर ही हमेशा एशिया में नहीं रखेगा। मगर क्या भारत निकट भविष्य में भी ये कल्पना कर सकता है कि वह चीन का स्थान एशिया में अव्वल नंबर की शक्ति के रूप में ले सकता है? ये सारे जटिल सवाल हैं जिनके ऊपर विचार और विश्लेषण हम जारी रखेंगे। बात समाप्त करने के पहले हम अपने दर्शकों श्रोताओं का ध्यान एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर दिलाना चाहते हैं। कोरोना संकट वास्तव में विश्व के लिए सबसे बड़ा संकट जो आज तक पिछले 100-150 साल में देखने को मिला है हमारे सामने आया है। शायद ये भूमंडलीकरण का प्रभाव है कि दुनिया का कोई भी इससे अछूता नहीं छूटा है, अर्थव्यवस्था हो या सामाजिक संगठन हो, राजनीतिक स्थिरता हो, सब पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। मगर इस समस्या से जूझते हम उस समस्या को भुला रहे हैं जो पर्यावरण से जुड़ी थी, जिसको ट्रंप पहले खारिज कर चुके थे कि ये जाली विज्ञान है, इसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो अमेरिका को कमज़ोर करने की ताकत है। मगर कहीं ना कहीं धरती के तपने का, मौसम के बदलाव का, और कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि इस तरह की जो महामारी, वैश्विक महामारी फैली है, उसका भी कहीं ना कहीं एक वायरस का पैदा होने का, तेज़ी से फैलने का कोई संबंध कहीं ना कहीं मौसम बदलने से जुड़ा हुआ है। ये वो मौसम है जब ऑस्ट्रेलिया में भयंकर जंगलों में आग लगती है, ये वो मौसम है जब अमेज़ोन के वर्षा वन जल रहे हैं, अभी हाल ये समाचार सुनने को मिला है कि कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लग रही है, और इस स्थिति में जब पूरे देश जूझ रहे हैं कोरोना संकट से, संकट निवारण इस प्रलयंकारी आग का बड़ा कठिन होगा, क्योंकि आप लोगों को न तो सोशल डिस्टेंसिंग करा सकते हैं, न उनको ऐसी जगह रह सकते हैं, वो संक्रमण भी बढ़ेगा। कुछ लोगों का फैसला ये है कि हम वायरस में मारे या जंगल की आग हमें मारे, हम क्या करें, या भूख हमें मारे, तो मरना तो है ही, तो जो चीज़ पहले मार रही है पहले उसका संकट का निवारण अधिक महत्वपूर्ण है। अफ्रीका में ये संकट के लक्षण हमें देखने को मिल रहे हैं, वहाँ आकस्मिक बाढ़ आ रही है, विक्टोरिया झील का जलस्तर ऊपर बढ़ रहा है, और युगांडा और मध्य अफ्रीका के कई देशों में लोग उस जल प्लावन से इतना दुखी हैं कि उनके पास खाने की सामग्री नहीं है, बीमारी फैल रही है, और कोरोना तो उनके लिए बहुत बात की चिंता होगी। मगर यदि हम कोरोना के कारण मौसम बदलाव से अपना ध्यान हटाते हैं तो शायद हम उस निर्णायक बिंदु को पार कर लेंगे जिसके बाद इसका समाधान ढूंढना असंभव होगा। आने वाले दिनों में हम चर्चा इस सब का भी करेंगे।